टॉपिक so, हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस अब ट्रांसलेशन किस तरह से की जाती है इसको हम थोड़ा सा आ, आ, देख लेते हैं यहाँ पेट से दिस इज माई वाई एक्सिस ठीक है एक्सिस ये होंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दीज आर टू एक्सिस ठीक है दिस इज माई एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ठीक है अब लट से दिस इज माई ओरिजिन दिस इज माई ओरिजिन अब ट्रांसलेशन से क्या अरवाद है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से इसको मैं कॉपी कर लूँ ठीक है इसको मैं कॉपी कर लूँ इसको मैं पेस्ट करूँ तो डेफिनेटली देखें ट्रांसलेशन का मतलब यह है कि एक्सेस है अब इसको मैं ट्रांसलेट कराऊ ट्रांसलेशन में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका वाई जो है वाई एक्सेस के पैरल रहेगा और एकसेस, एकसेस के पैरलर रहेगा आप इसको जिस तरह से मर्जी करा लें फॉर एग्जाम्पल इस तरह करा लें इस तरह करा लें ले, यहां तक ठीक ले है लेकिन एक्स शुड बी पैरल टू तो, एक्स एक्सिस वाई शुड बी पैरल टू एक्सिस जी हमने इसको ट्रांसलेट करा लिया है चले ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस इसमें एक्सिस को मैंने एंगल इसका यानी एक्स एक्सिस इस तरह हो गया वाई एक्सिस ऐसे हो गया वी कैन डू दैट हम इस तरह से नहीं कर सकते ठीक है अच्छा अब देखिए जो हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस था ठीक है इसके डेफिनेटली फॉर एग्जाम्पल यू नो ये कोई एक पॉइंट है ठीक है ये कोई एक पॉइंट है मैं यहाँ पे इसको सपोज कर लेता हूँ दिस पॉइंट इज पी

दिस इज माई एक्स एक्सिस दिस इज माई वाई एक्सिस ठीक है लेट से दिस इज माई एक्स एक्सिस दिस इज माई वाई एक्सिस ठीक है अब मैं कहता हूँ जो मेरा एक्स एक्सिस था वो है वो, वो है जी मेरे पास एच ठीक है और जो मेरे पास वाई एक्सिस है वो है के मैं इनको एक नेम देता हूँ इसका मतलब पॉइंट ओ प्राइम क्या हुआ पॉइंट ओ प्राइम हो गया एच के पॉइंट ओ प्राइम क्या हो गया एच के ठीक है दिस इज एच के अब ही बात है कि लेट सपोज अगर मैं आप अपना ओरिजिन इसको बना लू ठीक है और इसके पॉइंट इसके पॉइंट से इसका पॉइंट है दिस इज कैपिटल एक्स एक्सिस आई आई वुड वुड से से दिस इज कैपिटल एक्स एक्सिस एंड दिस इज कैपिटल वाई एक्सिस कैपिटल वाई एक्सिस कैपिटल वाई एक्सिस जस्ट मैं एक फर्क जस्ट एक फर्क बयान करने के लिए हम ये बात कर रहे हैं ठीक है एक हम जस्ट एक डिफरेंस के तौर पर यह बात कर रहे हैं अब लट से लट से मैं यहां पे बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस एक मेरे पास पॉइंट और पी है ठीक है 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 जो किसके इक्वल से यहां से लेके यहां से लेके इस ओरिजिन से लेके इस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है लाइक यू नो एम टॉकिंग एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस दिस इज एक्स एंड तो दिस डिस्टेंस अगर इसको ड्रॉ करूँगा अगर मेरे पास ये ओरिजन हो जाए तो इसके मुताबिक वट विल बी एक्स एंड वाई दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेन ऑफ एक्सिस यानी आप मैंने एक्सिस को ट्रांसलेट किया तो विद न्यू एक्स एक्सिस व्हाट विल बी माई

माइनस एच एक्स माइनस एच सो दिस विल बी दिस विल बी कैपिटल एक्स और सिमिलरली विल होगा बहुत सिंपल है देखें पहले मेरे पास विद ओरिजिनल ठीक है मेरे पास यानी विद पॉइंट वो प्राइम मेरे पास वाई कितना दिस वॉज के ये क्या था के अब अगर ओल्ड के साथ देखा जाए तो वो कितना बनता है वो बनता है दिस इज स्मॉल वाई दिस इज

तो तो निकाल देंगे मेरे तो मेरे पास ये आएगा ठीक है नए के मुताबिक इस point p को मैं किस डिफाइन कर सकता हूँ एक्स हो जाएगा एक्स माइनस एच एंड वाई हो जाएगा वाई माइनस के ठीक है अब एक क्वेश्चन है क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं ठीक है क्वेश्चन या फॉर एग्जांपल इन रिवर्स थोड़ा सा ये भी देख लें अगर let suppose, मुझे एक you know, old x, मतलब मेरो गिवन हो ठीक है हो और मुझे ओल्ड एक्स एक्सिस हाउ कैन आई डू डेफिनेटली माइनस एच इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस एच तो इसका मतलब है ओरिजिनल एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली एक्सिस कितना हो जाएगा कैपिटल एक्स ये वाली एच प्लस एच ये वाली length, ठीक है ये वाली length, plus ये वाली एंड व्हाट वाई विल इक्वल टू वाई विल इक्वल टू ये वाली लेंथ Which is equal to K, and plus और इसको मैं इस तरह से आप ओरिजिनल एक्सिस भी फाइन आउट कर सकते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं एक आद ताकि हमारे समझने में और आसानी हो जाए देखें लेट uh, से मेरे पास है जी कोडिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर

पहले ओ ये था अब ये ओ प्राइम है अब ठीक 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 है? So this is, this is two, है? And this is minus three, minus three, है? अब वो कह रहे जी कि अगर आपके पास अगर आपके पास एक पॉइंट पी है माइनस सिक्स नाइन तो ओरिजिनल न्यू एक्सिस के मुताबिक, यानी जो आपके पास न्यू एक्सिस आया है ठीक है पॉइंट पी समवेयर माइनस सिक्स नाइन इसका मतलब है माइनस सिक्स तो और नाइन तकरीबन यहां पे होगा समवेयर यहाँ पे

टू ठीक है तो माइनस माइनस इन माइनस प्लस थ्री तो यह आ जाएगा माइनस सिक्स प्लस थ्री विच इज इक्वल टू माइनस थ्री और ये आ जाएगा नाइन माइनस टू इज सेवन तो इसका मतलब है जो है वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी रेफर टू न्यू एक्सिस जो है वो कितने हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे पॉइंट पी कितना हो जाएगा माइनस थ्री एंड सेवन तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं